Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shreya and in today's video we will discuss some new interesting questions on mental ability. आप इससे पहले मेरी लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस सॉल्व किए थे. वो क्वेश्चंस हमने बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ सॉल्व किए थे जिनकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स सम्स भी बहुत इजी हो गए और इन सम्स को करने से हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज भी होती है. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. आज के वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस लास्ट वीडियो से कुछ लेवल अप है. लास्ट टाइम हमने बहुत ही इजी क्वेश्चंस किए थे, इस बार जो क्वेश्चंस हैं उनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है. स्टार्टिंग क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, चलिए फटाफट से क्वेश्चंस देखते हैं. ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, इन्हें सॉल्व करना बहुत ईजी है. ऐसे सम्स में प्रॉब्लम जरूर आएगी लेकिन जब हमें आंसर पता चलेगा तो हम सोचेंगे अरे ये क्वेश्चंस तो बहुत ईजी हैं. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई डिफरेंट ग्रुप. अब इनमें डिफरेंट क्या है, ये हमें एक चार नंबर दिए गए हैं, इनमें डिफरेंट क्या. देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, कोई नर्सरी का बच्चा भी बता देगा कि इनमें जो डिफरेंट है. पहली बात तो देखिए सभी ये ऑड नंबर गिवन है तो ये तो डिफरेंस हो नहीं सकता कि बीच में कोई इवन हो तो वो ऑड वन आउट हो गया, है ना. एक तो बिल्कुल देखने में पता लग रहा है ये जो है वो टू डिजिट नंबर है एंड 117 इज अ थ्री डिजिट नंबर, तो बेसिकली ये उनसे हो गया डिफरेंट. उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें ये तीन फिगर्स, तीन अल्फाबेट्स दिए हैं, एच एम के एम पी टी जेड. अब इनमें क्या डिफरेंस है. अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस जब सॉल्व करने हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि अब इनके लिए कोई फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं, तो अब इसे इसका हमें पैटर्न खुद सोचना होगा, खुद से ही दिमाग लगाना होगा. जैसे देखिए ये जो पहला है, और देखिए है तो ये भी, अब ये भी पांच अल्फाबेट्स हैं, ये भी पांच, तो ऐसा भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा. तो क्यों ना मैं देखूं कि इनके बीच में गैप कितना है. जैसे के और एम की बात करूं तो के और एम में कितना गैप है, आगे नंबर में कितना गैप है वो देखते हैं. जैसे के के बीच में एल आएगा, के एल एम ऐसे है, फिर एन ओ, फिर जाके पी आता है, पी के बाद क्यू आर एस, फिर टी आता है, U V W X Y, है ना इस तरह से. अब ये तो नहीं मैं पैटर्न फॉलो कर रहा, जैसे L है एक है, फिर N O दो, फिर तीन, फिर यहाँ पर तो पांच आ गए सीधा U V W X Y Z. पैटर्न तब फॉलो होता है जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन होती है, वन टू थ्री फोर होते तब फॉलो होता, लेकिन यहाँ पर तो एक पांच आ गया. चलो अगला देख लेते हैं. ठीक है समझ लगा, मतलब ये दोनों देखो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. बी के बाद एक अल्फाबेट छोड़ा, फिर दो, फिर तीन, फिर चार. इस केस में भी देखो पहले एक अल्फाबेट, फिर दो अल्फाबेट, फिर तीन अल्फाबेट, फिर चार, मतलब ये दोनों सेम है लेकिन सिर्फ ये ऐसा है जिसके बीच में पांच अल्फाबेट्स हैं. ठीक है लास्ट वाले में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है ऑड वन आउट. ठीक है सो दिस इज अवर आंसर, इजी है. उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क. ठीक है इसमें हमने क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है. जैसे आपको एक सीक्वेंस दी हुई है 3 9 8, यहाँ क्या आएगा. अब देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये डबल रेशियो और सिंगल रेशियो का क्या है. देखिए जो डबल रेशियो होते हैं ना, डबल रेशियो बेसिकली कि अब यहाँ पर एक नया पैटर्न शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये है ये जो सिंगल रेशियो वाले ये एक पैटर्न बना रहे हैं और ये दोनों यहाँ पर जो नंबर आएगा वो एक, और ये डबल का मतलब है कि यहाँ से इससे मिलता जुलता ही अगला पैटर्न शुरू हो गया है. ठीक है देखिए अब देखिए 3 और 9 के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है. 3 + 6 होता है 9, और कैसे 9 बनता है, 3 × 3 होता है 9. मतलब दो कंडीशन आ गई, या तो मैं 3 + 6 9 लिखूं या मैं 3 × 3 9 लिखूं, यही दो कंडीशन है 9 लाने के 3 से, और तो कोई कंडीशन नहीं है. ठीक है इसी तरह से हम 8 वाला देख लेते हैं. अब 8 में क्योंकि अगर इसके साथ सेम है तो उसके साथ भी सेम होना चाहिए, 3 के ऊपर जो ऑपरेशन लग रहे हैं वही 8 के ऊपर लगने चाहिए. तो पहले मैं 8 + 6 करके देख लेती हूँ 14, और 8 × 3 करके देख लेती हूँ 24. ठीक है अब ये बन रहा है. अब ध्यान से देखिए ना तो यहाँ कहीं 14 है ना ही 24, मतलब कुछ और हो रहा है यहाँ पर. अब ध्यान से देखिए ये वाली जो लाइन कंडीशन थी ये थी 3 × 3, तो जरूरी तो है मुझे 8 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना, 3 × 3 3 का स्क्वायर भी तो है, यानी अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो आंसर आ रहा है मेरे पास 9, तो क्यों ना मैं यहाँ 8 का स्क्वायर कर दूं, यानी 8 × 8 कर दूं तो बन रहा है 64, तो 64 मेरे पास है. दिस इज अवर आंसर, इजी.
चलिए अब ये ऐसे मतलब ना, ये जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे अब मैंने आप कहेंगे आप आपको अगर सोचे कि आपने कैसे स्क्वायर कर दिया, नहीं मैंने सीधा स्क्वायर नहीं किया, मैंने पॉसिबिलिटीज निकाली कि क्या क्या हो सकता है। मैंने 6 प्लस किया, मैंने 3 मल्टीप्लाई किया, फिर 8 के ऊपर वो ऑपरेशन लगाया तब भी आंसर नहीं आया। फिर मैंने दिमाग लगाया कि अगर ये 3 स्क्वायर करके 9 आ रहा है तो 8 स्क्वायर करके 64 आ रहा है, दैट कुड बी द पॉसिबल आंसर। ओके उसके बाद देखिए अगला क्या है, टच फील ग्रीट व्हाट। अगर किसी को हम टच कर रहे हैं सो दैट इज पर्टिकुलरली अ काइंड ऑफ फीलिंग, बिकॉज व्हेन एवर समवन टचेज इट वी फील इट ऑन अवर स्किन। तो मतलब टच और फील का आपस में एक रिलेशनशिप है। ग्रीट का किसके साथ रिलेशनशिप होगा? ऑप्शंस हैं स्माइल, सक्सेस, मैनर। अब देखिए सक्सेस तो, ग्रीट और सक्सेस का तो आपस में कोई खास रिश्ता है नहीं, तो इट्स गॉन। ओके अब देखिए, अब ये स्माइल और मैनर, वैसे तो मैं आपको आंसर बताऊँ तो इसका आंसर मैनर होएगा, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ अ मैनर। हमें बचपन में सिखाया जाता है व्हेनेवर यू मीट एनीवन ऑलवेज ग्रीट देम। ओके दिस इज अ काइंड ऑफ अ मैनर। हाँ लेकिन अगर मैं स्माइल कहूँ, कई आप लोग कई कह सकते हैं स्माइल, तो वो भी गलत नहीं है, बिकॉज व्हेनेवर वी ग्रीट समवन वी ऑलवेज स्माइल। ओके वी यूज टू लाइक हेलो हाउ आर यू, सो दिस इज व्हाट जनरली ग्रीटिंग इज, है ना। सो मैनर इज ऑल्सो करेक्ट एंड स्माइल इज ऑल्सो करेक्ट। ओके सो अब पता चला है ऐसे वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं जब कोई रिलेशनशिप हो आपस में। जैसे टच का अगर फील है तो ग्रीट का मैनर है, ठीक है, काइंड ऑफ रिलेशनशिप देयर इज देयर बिटवीन देम। ओके अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आपको ये ब्लैंक दिया गया है, आपको ब्लैंक्स की वैल्यू पुट करनी है और ये ऑप्शन दी गई है कि कौन सा पैटर्न किसको फॉलो कर रहा है। मैंने आपको बताया था जब ऐसे सम आए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो चार ऑप्शन दिए हैं एक एक करके पुट करके देख लो, अगर किसी भी ऑप्शन के साथ कोई पैटर्न फॉलो हो गया दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, ए बी बी एंड सी सी पुट करके देखते हैं। ए बी बी सी सी तो देखो कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, ए बी सी बी सी ए बी ए बी ए सी 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 सी, ये कोई पैटर्न है। और बचा कौन सा, लास्ट वाला पुट करके देख लेते हैं इसमें क्या बनेगा। वो है हमारे पास ए बी सी डी बी, पुट करके ए बी सी बी बी, देखो ये बना ए बी सी बी सी ए बी ए बी सी बी सी ए। अगर मैं तीन का इसका ऑपरेशन बनाऊँ तो ए बी सी बी सी ए सी ए बी ए बी सी बी सी ए, ये बना पैटर्न। कैसे बना ये पैटर्न, देखिए हमने क्या किया था ना, ए बी सी लिखा था, ए बी सी पहले ए बी सी लिखा, फिर बी सी ए आ गया यानी ए उठकर आ गया, उसके बाद बी सी ए के बाद सी ए बी आ गया यानी अब बी उठ के आ गया, मतलब ये बना ना कोई पैटर्न है ना, ऐसे थोड़े कुछ भी बन जाएगा पैटर्न। सो इस तरह से आपको पैटर्न बनाना होता है और इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके अगला भी सेम उसी तरह से है, जैसे यहाँ पर भी हमारे पास 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पुट करके देखते हैं। ये है ए बी ए बी डैश ए ए बी बी डैश डैश बी बी डैश, तो मैं पुट करके देखती हूँ। अब हमारे पास बच गया हमारा लास्ट ऑप्शन है हमारे पास बी ट्रिपल ए, मतलब लास्ट में आएंगे 3 ए। अब देखो बन रहा था पैटर्न ए बी बी ए बी बी ए ए बी बी ए, ये बना पैटर्न। किसका पैटर्न, ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, दिस इज व्हाट वी कॉल अ पैटर्न इज। समझ लगा कि ये तीनों क्यों नहीं आया और यही क्यों आया, क्योंकि इसने मुझे दे दिया पैटर्न, एक बहुत ही मतलब जेन्युइन पैटर्न, कुछ भी नहीं बना दिया कि हाँ कुछ भी अल्फाबेट कहीं भी रिपीट हो रहा तो पैटर्न बन गया, नहीं, हर पैटर्न के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई नंबर उसी टाइम पर रिपीट होता है, उतने ही टाइम पर रिपीट होता है जो उसका जनरल सॉल्यूशन होता है। ओके उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 144, 12, 100, 81, 61 में सीरीज दे दिया, बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब ऐसे सम तो वैसे बहुत इजी होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, सबको पता हो ऐसे सम आए ना, तो सबसे पहले ना उनका रिलेशनशिप निकालना शुरू करो कि इनमें क्या रिलेशनशिप हो सकता है, आपस में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें मैं देखूँ तो देखो ये नंबर 144, 12, 100 ये क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। देखो मतलब अगला नंबर जो 64 से कम ही होगा, जो मेरे सारे आंसर्स जो हैं वो भी सारे 64 से कम है, ठीक है, तो क्या हो सकता है। मैं अगर ध्यान से देखूँ
ये स्क्वायरिंग हो रही है किसी चीज की। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का, 81, 9 का, 100, 10 का, 12 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, उसके बाद 10 का स्क्वायर, उसके बाद 9 का स्क्वायर, उसके बाद 8 का स्क्वायर, तो अगला किसका आएगा? वेरी गुड, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। सो आंसर इज पार्ट ए, दैट इज 49। इजी। तो चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है जिसे हमें रिप्लेस करना है। देखिए सबसे पहले है 4, 10 क्वेश्चन मार्क, 82, 22, 4, 4, 7, 30। अब देखिए ये पैटर्न हमें कुछ भी आइडिया नहीं हो सकता ये क्या पैटर्न है, ना ये इवन नंबर्स का है या नहीं ऑड नंबर्स है, क्योंकि वैसे तो ये देखो सारे इवन ही चल रहे हैं, लेकिन अब 4, 10, 82 अब इनमें इवन का क्या डिफरेंस होगा? नो, तो इसलिए ना हम कुछ थोड़ा सा इसका जैसे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है, तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैं सीधा पॉइंट पर आती हूँ कि इसका आंसर हमें कैसे निकालना है, बाकी बातें बाद में करेंगे। जैसे ये 4 है, ओके, सो अब यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो पैटर्न क्या है, ये अब आपको ऐसे दिमाग में नहीं आएगा। ये दिमाग में कैसे आएगा? जितनी बार भी आप प्रैक्टिस करोगे तब भी आपके दिमाग में आएगा। जैसे कि फर्स्ट आंसर है 4, तो अगर मैं 4 × 3 करूँ वो आता है 12, ओके, और 12 − 2 करूँ तो क्या आएगा? 10। सो 10 क्या है मेरी अगले डिजिट। उसी तरह अगर मैं 10 × 3 करूँ तो आएगा 30, 30 − 2 करूँ तो आएगा 28, तो अगले डिजिट क्या होगी? 28, ये रहा 28 आंसर। आगे आगे देख लेते हैं, अब 28 × 3 करोगे और उसमें से जो −2 करोगे तो आंसर आएगा 82, 84 में से जब आप −2 करोगे। उसी तरह से ये आगे आगे सॉल्व होता जाएगा। तो बेसिकली इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ? n × 3 − 2, ये बन गया इसका जनरल सॉल्यूशन। इसी को फॉलो करते हुए सारे के सारे आंसर्स आपके पास आ जाएंगे, सिंपल। तो चलिए अब हम अगला सम देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि गोट इज सोल्ड फॉर ₹7920, फाइनल प्राइस जो जिसमें वो बेची गई है वो 7920 है, और जिसने बेची है उसको 10% हुआ प्रॉफिट। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है गोट वॉज बॉट फॉर, गोट कितने में खरीदी गई थी, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए हमें देखिए प्रॉफिट दिया हो तो मैं उसी से लूँगी। प्रॉफिट अगर है मेरे पास, देखिए परसेंटेज में दिया है, क्या है प्रॉफिट? 10%, ठीक है, परसेंटेज में दिया, तो पहले मैं इसे कन्वर्ट करूंगी, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, जो परफेक्ट फिगर थी 7920 × 10%, है ना। अब इसको सॉल्व करें तो ये बन गया मेरे पास 7920 × 10/100। अब ये 0000 कट गए तो प्रॉफिट आ गया मेरे पास 792, प्रॉफिट आ गया। सेलिंग प्राइस तो मेरे पास पहले से ही था, मुझे क्या निकालना था? सीपी। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। सबको पता है कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता है सीपी का? कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, जिसे मैं लिख सकती हूँ सीपी इज इक्वल्स टू SP − P। पी क्या है यहाँ पे? प्रॉफिट। तो सीपी की वैल्यू थी, एसपी की वैल्यू क्या है वो मैं स्टेटमेंट में दी हुई है 7920। 7920 में से माइनस क्या करना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट अभी मैंने परसेंटेज से कन्वर्ट कर लिया था फिगर में, वो आया 792। यहाँ तक समझ लगा? क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। सीपी निकालना था, उसके लिए एसपी तो मेरे पास था ही, प्रॉफिट निकालना था क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ था परसेंटेज में, परसेंटेज से उसे मैंने पहले फिगर में कन्वर्ट किया, उसके बाद मैंने सीपी एसपी के फॉर्मूले में पुट कर दिया, ओके। तो इसको सॉल्व करके आई गेट ₹7128, ओके। सो दिस सी इज अवर आंसर, क्या आई सीपी हमारे पास 7128, सिंपल सम था ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें ना log to the base अल्फा 4 की वैल्यू दी है 1/4। देखिए ये सम आप तभी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको log की प्रॉपर्टीज आती है। पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है कि log to the base अल्फा, इसको बेस कहते हैं जो नीचे दीवन होता है, log to the base अल्फा 4 is equals to 1/4, हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब log की एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। वो है कि log to the base अल्फा x किसके इक्वल होता है?
एन के लॉग्ड द बेस अल्फा एक्स किसके इक्वल होता है एन के, और यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि लॉग टू द बेस अल्फा फोर किसके इक्वल है वन बाय फोर के। अब मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करूँ, लॉग है अल्फा है एक्स की जगह फोर है एन की जगह वन बाय फोर है, तो जब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या निकली फोर और एन की वैल्यू क्या निकली वन बाय फोर। यहाँ तक समझ लगा? ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा एक और स्टेप है जो ये प्रॉपर्टी है ना लॉग की, यहाँ से एक डेरिवेशन निकलती थी तो उसका आंसर क्या आता था कि जो x है वो अल्फा की पावर n के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से जब हमने क्या किया था, अगर दोनों तो हम एक्सपोनेंट्स ले लें तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसी इक्वेशन से ये रिजल्ट निकलेगा कि जो x जो होता है वो अल्फा की पावर n का आंसर होता है। मतलब अब ये x और n की वैल्यूज तो हमें पता है, मैं इस इक्वेशन में इसे पुट कर दूंगी। ठीक है, x की जगह क्या आ जाएगा 4, 4 इक्वल्स टू अल्फा के अल्फा की जगह अल्फा ही रहेगा क्योंकि हमने अल्फा ही तो निकालना था, अल्फा की पावर n यानी 1/4। यहाँ से मुझे अल्फा निकालना है, ध्यान से देखिए। अब देखिए अल्फा पावर 1/4 ऐसे सॉल्व करना मुश्किल है, तो क्यों ना मैं दोनों साइड पावर ले लूँ 4, दोनों को पावर्स में मल्टीप्लाई करा दूँ 4, जैसे 4 की पावर 4 इज इक्वल्स टू अल्फा 1/4 की पावर भी 4। ठीक है, दोनों की तरफ पावर ले ली 4। अब ये दोनों तो कट गए 4 और 4, ये बच गया 4 की पावर 4 इक्वल्स टू अल्फा, अकेला बच गया, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, क्या आएगी 16 × 16, क्योंकि 4 × 4 × 4 × 4 को मैंने 16 × 16 लिख दिया। ठीक है, तो क्या 16 × 16 = 256, अल्फा इक्वल्स टू 256, कहाँ है 256, ये रहा आंसर। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जो हमें रेशो निकालनी है, किसकी रेशो निकालनी है, एरिया ऑफ स्क्वायर की। एक स्क्वायर है जिसकी साइड दी है हमें ए, स्क्वायर है जिसकी साइड दी है ए, उसका रेशो निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, मतलब कि एक हमारे पास एक स्क्वायर है एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड भी ए गिवन है इसकी साइड भी ए गिवन है, हमें इन दोनों के एरिया का रेशो निकालना है। सबसे पहले मैं इसका एरिया निकालूंगी, इसका एरिया निकालूंगी, दोनों को डिवाइड कर दूंगी, दैट वुड बी नोन एज रेशो, सिंपल। तो चलिए सबसे पहले मैं स्क्वायर की बात करूँ तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। समझ लगा? इजी, यहाँ तक इजी है। अब बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया की। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है √3/4 × साइड का स्क्वायर, यानी कि √3/4 a² सही आया, सिंपल। समझ लगा? दोनों का एरिया निकालना है। अब मैं निकालूंगी दोनों के रेशियो, ठीक है, एरिया का। सो रेशियो ऑफ देयर एरिया क्या आएगा, ए स्क्वायर रेशियो √3/4 a². अब देखिए ध्यान से, अब ये a² कटिंग हो जाएगी। हाँ, रेशियो में ऐसे कटिंग शो नहीं करनी, खुद को पता होना चाहिए कि ये कट हो जाएंगे, तो ये हमेशा हमारे पास बच जाएगा 1 √3/4। अब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये डिवीजन में है, ये अकेला है, तो मैंने क्या किया दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये बन गया 1 × 4 रेशियो √3/4 × 4। ये 4 कट गया, ये बच गया मेरे पास 4 √3, रेशियो आ गई 4 √3, आंसर सिंपल है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में ना एक सर्कुलर कार्डबोर्ड दिया गया है जिसको पीसेस में कट किया गया और हर 4 सर्कल्स में है, और उस कार्डबोर्ड का जितने भी सर्कल्स कट है उनका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, और उन्हें इस तरह से प्लेस किया गया कि हर जो एक सर्कल है वो बाकी 2 पीसेस को जुड़ रहा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है जितना उन 4 सर्कल्स ने लिया हुआ है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को इमेजिन करते हैं क्या हुआ था। एक यानी कि हर एक पीस आप देख सकते हैं 2 को टच कर रहा है, जैसे इसकी बात करें इस वाले की, तो ये इन दोनों को टच कर रहा है, ये वाला इन दोनों को, ये वाला इन दोनों को कर रहा है टच। तो बेसिकली मुझे ना इन, अच्छा आप रेडियस की बात करें तो ये जो रेडियस यहाँ से यहाँ तक है वो सबका 7 गिवन है, 7। ठीक है, अब देखो हमें ना ये एरिया निकालना है, ये वाला जितना कार्डबोर्ड का एरिया इसने लिया, ठीक है, ये एरिया निकालना है आपको। इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आता है, वो हम देखते हैं क्या होता है। अब देखिए मुझे इन 4 का एरिया निकालना है, मतलब मुझे निकालना है एरिया ऑफ
एनक्लोज्ड स्पेस, ठीक है, यही निकालना है मुझे, ये वाला हिस्सा इतना इतना। तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, उसमें से माइनस कर दूंगी 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। कैसे, क्यों बना ये? देखिए, ये जो था ये हिस्सा, ये स्क्वायर था, इसको अगर मैं भूल जाऊं तो ये स्क्वायर था, स्क्वायर में से ये एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया, उसमें से हमें माइनस करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इतना हिस्सा माइनस कर देना, ये हिस्सा माइनस कर देना, ठीक है। देखिए, इतना हिस्सा माइनस करेंगे, पर ये तो चार थे तो 4 इंटू इसलिए साथ में लग गया, तो बचा हुआ मेरे पास ये रह जाएगा, ये जो वाइड बची वो रह जाएगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इमेजिन कर रहा हूँ कि किसको सॉल्व कैसे करना है, ओके। तो चलिए, एरिया ऑफ स्क्वायर वी नो, साइड इंटू साइड माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 4। फॉर्मूला समझ लगा, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर बाय 4। अब देखिए, साइड की वैल्यू क्या होगी, जब हमने बात की थी एक साइड की, तो यहाँ पर दो सर्कल एक साइड में आते हैं और एक सर्कल का रेडियस जो हमें दिया था वो 7, तो अब हर एक साइड में दो सर्कल आधे आधे हैं, अगर ये सात ये सात 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 कितने हो गए 14, क्यों, क्योंकि गिवन था कि एक सर्कल का रेडियस है 7, तो साइड कितनी होगी टोटल 14, यानी 14 × 14, ठीक है, माइनस 4 इंटू ये 1/4 में साइड ले लेती हूँ, अंदर आ गया पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 पुट कर देते हैं इंटू आर, रेडियस कितना है 7, यहाँ पर लिख लेते हैं रेडियस है 7, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, यहाँ तक समझ लगा, ओके। तो जब मैं इसको सॉल्व कर लूँगी तो कुछ ऐसे 196 बनेगा इसका स्क्वायर, माइनस ये कटिंग हो जाएगी, ये 7 स्क्वायर था, एक 7 से कट जाएगा, तो मेरे पास ये बन जाएगा 154, तो इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो ये बन जाएगा मेरे पास 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, सी ऑप्शन, 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आ गया एरिया किसका, जो लेफ्ट आउट रीजन था, ठीक है। मुझे क्या, मैंने क्या किया था, एरिया ऑफ एनक्लोज स्पेस निकालने के लिए स्क्वायर में से क्वाड्रिलेटर, चारों क्वाड्रिलेटर का एरिया माइनस कर दिया था, साइड में से माइनस कर दिया, सॉल्व किया, आंसर आ गया, सिंपल। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, ये है कि हाँ, ज्योमेट्री के जो सम्स होते हैं थोड़ा ना, मतलब फॉर्मूला वगैरह याद हो, जैसे ये पाई आर स्क्वायर बाय 4 होता है क्वाड्रिलेटर, ये आपको पता होना चाहिए था, एक चौथाई हिस्सा सर्कल का, ठीक है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो सर्कल का आता है, क्वाड्रिलेटर उसका 1/4, वो पाई आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, तो ऐसी कुछ बातें हैं जो पता होनी चाहिए, तो ये समझ भी आसानी से हो जाते हैं। सो दैट वॉज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, तो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।